अर्थप्रकाश देख रहे हैं तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले किसान अध्यादेश जारी हुआ था और इस ये अध्यादेश जारी होते हुए ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों का विरोध केंद्रीय सरकार को झेलना पड़ा। इस और आज हम बात करेंगे जो पंजाब और हरियाणा के ऊपर इस किसान अध्यादेश का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दो राज्य ऐसे हैं जो मैक्सिमम यहाँ पर किसान हैं और सेंटर पूल के अंदर मैक्सिमम ये अपनी फसल ये देते हैं। और अब मैं यहाँ पर एक बात और करेंगे कि इस अध्यादेश को किसानों ने जहाँ तक रिजेक्ट किया, जैसे ये पास हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों ने एक अपना विरोध करना शुरू कर दिया। जगह जगह रास्ते जाम हुए, जाम लगाए गए, रेल पटरियों पर डेरे लगा लिए और ये आखिर ये अध्यादेश है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले किसानों ने इसका विरोध क्यों किया, अध्यादेश में जहां तक किसानों से जब तक हमने बात की ग्राउंड लेवल पर जाकर अर्थप्रकाश टीम ने, तो किसानों ने हमें ये कहा कि हमें इस अध्यादेश से सबसे डर ये लग रहा है कि ये निजी करना हो जाए, जो सरकारी मंडियां हैं वहां पर निजी करना हो जाए, धीरे धीरे मंडियां बंद ना हो जाए। क्योंकि हमने पूछा क्यों आपके मन में क्यों ऐसे बात लग रहा है, तो किसानों ने कहा कि अगर हमारी एक मूल्यांकन होता है उसका फसल का वो निर्धारित कर दे, अगर निर्धारित नहीं होगा तो हम कहीं भी फसल बेचेंगे तो हम बाउंड नहीं होंगे किस मंडियों में, तो इसके लिए ये भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये मंडियां बंद हो जाएं। और दूसरी बात, किसानों के मन में एक सबसे बड़ा जो भय ये है कि उनको ये लगता है कि धीरे धीरे ये इनका प्राइवेटाइजेशन ना हो जाए, पूंजीवाद का बढ़ावा ना हो जाए, निजी करना हो जाए। ये दो इम्पैक्ट जो किसानों के मन में भय है इस अध्यादेश को लेकर अब हम बात करेंगे। तो ये क्या, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब थोड़े दिनों में आपने देखा होगा जैसे ये बिल जारी हुआ राजनीतिक तौर पर, क्योंकि ये दो स्टेट ऐसे हैं पंजाब हरियाणा जहां पर किसानी के ऊपर राजनीति होती है। किसानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसके तहत जो किसान को निराश करता है वो सत्ता में उसका बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं बिल्कुल उसका योगदान हो ही नहीं सकता। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी सचेत हो गई और जब जहां तक राजनीतिक घटनाक्रम की बात है वहां पर हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में थी, काफ़ी पुराना दोनों का एक गठबंधन, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर शहरी वोटों शहरों में इनका प्रभाव है और श्रोमणी अकाली दल का किसान बेस्ड पार्टी है। जब यह अध्यादेश जारी हुआ उसके कुछ देर के बाद श्रोमणी अकाली दल ने सबसे पहले, क्योंकि उनके ऊपर यह सबसे बड़ा एक वो हम कह सकते हैं कि दबाव था कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करें कि वो किसके साथ है, एक तरफ सरकार दूसरी तरफ किसान, तो श्रोमणी अकाली दल ने अपना डिसीजन लेते हुए अपने केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन दे दिया और अपना नाता एनडीए से जो सदियों पुराना था वो तोड़ दिया और ये स्पष्ट दिखा दिया कि हमारे लिए किसान पहले हैं। अब हम आगे जाते हैं और अब कांग्रेस पार्टी और रूलिंग पार्टी है पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्टैंड रखा, पक्ष रखा। और अभी सुनने में आया कि 4, 5, 6 तारीख को राहुल गांधी जी का दौरा पंजाब में होगा और ये बहुत बड़ी देखने की बात है यहाँ पर कि कांग्रेस इस जो कानून को, इस कानून में अपना स्टैंड कहां पर रखती है, वो किसानों को किस हद तक वो अपनी फैसिलिटीज मुहैया करा सकती है और जो आने वाले दिनों में जो राजनीति पंजाब में होगी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ने स्टैंड कर अपना स्पष्ट बता दिया है। कांग्रेस के 3 दिन के राहुल गांधी के दौरे हैं जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश कमेटी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसानों को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड, अपना पक्ष और उनको भी रखना पड़ेगा कि वो किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। और इसी बीच के अंदर हम एक बात और कहेंगे कि कुछ जगह पर इलेक्शन भी आने हैं। अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा में रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी यहाँ पर ड्रॉबैक देखने को ये मिल रहा है कि पार्टी ने अपने लीडर्स को यहाँ पर ड्यूटी लगानी चाहिए थी। जो बिल पास हुआ है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिल में ये फायदे हैं किसानों को, वो जनता तक पहुँचाने तक अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई कि नहीं, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी ड्यूटी नहीं लगाई, ना ही उनके लीडर्स जनता तक आए हैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करने के लिए। और आने वाले दिनों के अंदर जहां तक हम सभी हिंदुस्तान के किसानों की निगाह पंजाब और हरियाणा के ऊपर है और जो पंजाब में जो दौरे अभी होंगे थोड़े दिन के अंदर राजनीतिक, हम कह सकते हैं कि 1.25 साल के बाद एक हमारा विधानसभा इलेक्शन भी है पंजाब के अंदर और इस नाजुक मोड़ के अंदर कोई भी पार्टी
किसानों को अपने विरोध में नहीं कर सकती। और जो भी पार्टियां जो किसानों के साथ हैं, अभी देखना आप थोड़े दिन पहले, कल श्रोमणी अकाली दल ने किसानों की बहुत बड़ी एक चक्का जाम किया पंजाब के अंदर, और चंडीगढ़ में भी रात को कल अरेस्ट हुए हैं, उसके बाद बेल भी मिल गई है। और उन्होंने ये पूरा साबित करने की कोशिश किया कि पंजाब के किसानों को कि हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ हैं। अब बात है थोड़े दिनों के अंदर राहुल जी के दौरे के बाद कि कांग्रेस पार्टी अपना क्या स्टैंड रखती है। ये थी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, अर्थ प्रकाश चीफ रिपोर्टर। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।